अब किसी भी संघ के आधिकारिक नाम लीजिए, सब मुझको जानते हैं, देश भर के। 200 रुपये महीने के हिसाब से साइन करके चला जाता है, बाकी वेतन वहाँ से लेता केवी के। आज IBN 7 पर आप देख रहे हैं, देश में विकास के बजाय विनाश में लगे रसूखदारों का पर्दाफाश। हम आपको दिखा चुके हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के नाम पर किस तरह करोड़ों की लूट चल रही है, और हैरत की बात है कि इस लूट में कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 860 करोड़ रुपए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और विकास के नाम पर खर्च किए गए, मगर इस फंड की लूट ऐसी मची कि विकास का काम विनाश में बदल गया। पूरा खेल गैर सरकारी संगठनों की आड़ में होता है। ये है अमरावती का श्रम साधना ट्रस्ट। इस संस्था से जुड़ी है राजस्थान की राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। इस ट्रस्ट को 1995 में एक साथ 2 कृषि विज्ञान केंद्र आवंटित कर दिए गए। राजनेताओं से जुड़ी संस्थाओं को कृषि विज्ञान केंद्र की बंदरबांट का ये सिलसिला यही नहीं थमता। इस बंदरबांट का फायदा उठाने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद चंद्रपाल सिंह यादव से जुड़ी संस्था भी है। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद नवल किशोर राय के समता सेवा केंद्र को भी कृषि विज्ञान केंद्र से नवाजा जा चुका है, मगर कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि उनका इन आवंटनों से कोई लेना देना है। पहले तो मैं आपके उस प्रश्न के एक अंश का खंडन करना चाहता हूँ कि मुझे मिला है, मुझे नहीं मिला है। मैं मानद रूप से समता सेवा केंद्र जो NGO है, उस समाज सेवी संस्था है, उसका अध्यक्ष हूँ। उस संस्था के प्रशासनिक देखरेख में चलाने के लिए ICCAR ने संस्था के माध्यम से चलाने के लिए खोला है, और मुझे यह गौरव प्राप्त है कि मैं और मेरे पिताजी और मेरे परिवार के लोगों ने 99 वर्ष के लिए अपने 35 एकड़ जमीन बेशकीमती जमीन उपलब्ध कराया। कृषि विज्ञान केंद्रों के आवंटन में हुए इस गोरख धंधे से कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं रहा। नेताओं के करीबी कुछ रसूखदार लोगों को भी कृषि विज्ञान केंद्र बांटे गए। महाराष्ट्र कैडर के पूर्व IAS SK चौधरी इसमें शामिल हैं। इनके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट को 1994 में मधुबनी में कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी यह केंद्र किसानों को रास्ता दिखाने के बजाय खुद रास्ता भटक रहा है। करीब 10 साल से खेती करी थी, कोई उपकार नहीं है। NDA सरकार के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अशोक भगत की संस्था को कृषि विकास केंद्र दिया गया। 2 साल में 2 करोड़ रुपए भी दिए गए, लेकिन इतना पैसा दिए जाने के बावजूद विकास केंद्र की इमारत तक नहीं बन पाई है। स्टार्ट किया है, लेकिन एक होता है ना कि बिल्डिंग बन जाना, पूरा सभी अपॉइंट हो जाना, एक एस्टेब्लिशमेंट ठीक से हो जाना, वो अंडर प्रोसेस है। बाकी किसान मेला हमने लगाए, किसानों की ट्रेनिंग की, भिन्न भिन्न विषयों में, और एक अपनी यूथ को मोबिलाइज किया, किसी की ओर ओरिएंट किया, ये सब उपलब्धियाँ कृषि विज्ञान केंद्र की हैं। यूपी के पूर्व एडवोकेट जनरल रमेश सिंह की संस्था के खाते में भी एक कृषि विज्ञान केंद्र है। रमेश सिंह खुद को RSS से जुड़ा बताते हैं। इन पर BJP सरकार ने दरिया दिली दिखाई, और संघ की ट्रेनिंग मैंने पाई। आप किसी भी संघ के आधिकारिक नाम लीजिए, सब मुझको जानते हैं, देश भर के लोग। इतने पर से मैं संघ के जीवन में। अब हम आपको मिलवा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के OSD रह चुके अखिल बख्शी से। नरसिम्हा राव की सरकार के समय 1993 में इनकी संस्था को कृषि विज्ञान केंद्र का आवंटन किया गया। हैरानी की बात है कि ये कृषि विज्ञान केंद्र जिस जमीन पर बना है वो जमीन विवादित है, इसे खुद अखिल बख्शी भी मानते हैं। 4 लोगों ने, गांव वालों ने हाई कोर्ट में एक वो डाल दिया, क्या वो पिटिशन, कि पंचायत की रेजोल्यूशन थी लीज के लिए, सरकार ने गिफ्ट कैसे कर दिया, तो वहाँ से वो विवाद शुरू हुआ। उसके बाद ये सिर्फ, और ये जो जिन्होंने किया वो मेरे पास भी आए,
वो ये बोलने के लिए कि जी हम आप इतना पैसा दो या हमारे को इतनी कहीं और ज़मीन खरीदो, हम ये केस हटा लेंगे। तो ये मैंने उनकी बात नहीं मानी। कृषि विज्ञान केंद्रों का उद्देश्य था किसानों की खुशहाली, लेकिन रसूखदार नेताओं की लूट खसोट ने पूरे मकसद को ही बेमानी बना दिया है। तो ये तो हम सभी देखते हैं, जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश के किसान भूखे मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन आज हमने आपको ये भी दिखाया है कि किस तरह से नेताओं को अपनी और अपनों की जेब भरने से फुर्सत नहीं है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आईबीएन 7 पर खबरों का सिलसिला जारी। आप किसी भी संघ के आधिकारिक नाम लीजिए, सब मुझको जानते हैं देश भर के। 200 रुपए महीने के हिसाब से साइन करके चला जाता है, बाकी वेतन वहां से लेता केवीके से।